अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाज़रीन कराम, ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की 3 बार खातून अव्वल रहने वाली मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज़ मशहूर गामा पहलवान की नवासी थी। बेगम कुलसूम नवाज़ करीबन 1 साल के अरसे तक कैंसर के मर्ज में मुबतला रहीं और फिर आखिरकार 11 सितम्बर बरोज़ मंगल को खुदावंद हकीकी से जा मिली। दोस्तों, बेगम कुलसूम नवाज़ ने नवाज शरीफ की सियासत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया, चुनाचे अब उनके बगैर नवाज शरीफ के लिए सियासत करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बेगम कुलसूम नवाज़ उम्र में नवाज शरीफ से 1 साल छोटी थीं। उनके बाओजदाद का ताल्लुक कश्मीर से था जबकि उनकी पैदाइश लाहौर में हुई। नाज़रीन, सन 1999 और 2000 के दरमियान जब नवाज शरीफ की हकूमत का तख्ता उलट गया और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में थे, तो मार्शल लॉ की हुकूमत की तरफ से उनके कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था और इस वक्त बेगम कुलसूम नवाज ने एहतजाजी सियासत का आगाज़ किया। इन्होंने उस वक्त की दूसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुतहदा बराए बहाली जमहूरियत यानी AARD के क्याम में एक अहम किरदार अदा किया और बाकायदगी से उसके जलसे जुलूस में शरीक हुई। इन्होंने मुस्लिम लीग के कारकुनान और जमात को मुतहद रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। फिर इसी साल यानी सन 2000 में जुलाई के महीने में एक तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई जो शदीद मुजाहमत की अलामत बन गई। चुनाचे लाहौर में ऐसे ही एक इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकना चाहा तो बेगम कुलसूम नवाज ने गाड़ी को अंदर से लॉक करके उतरने से इनकार कर दिया, हत्ता कि उनकी गाड़ी को लिफ्टर की मदद से आगे से उठाकर वहाँ से हटा दिया, मगर वो अपने इनकार पर कायम रहीं और बाहर ना आईं। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ये बेगम कुलसूम नवाज़ की एहतजाजी सियासत का ही नतीजा था कि वो अपने शोहर और उनके ख़ानदान को बाहिफाजत मुल्क से बाहर ले जाने में कामयाब हुई। लिहाजा अगर उनकी जद्दोजहद ना होती तो मार्शल लॉ की हुकूमत पर कोई दबाव ना डाला जा सकता और शायद फिर नवाज शरीफ को सख्त हालात का सामना करना पड़ता। दोस्तों, इसके अलावा नवाज शरीफ को अदालत आलिया की जानिब से नाअहल करार दे जाने के बाद बेगम कुलसूम ही सियासत में बराह रास्त हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही थी और ये कयास भी किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत उनके पास ही चली जाएगी, क्योंकि बेगम कुलसूम नवाज़ मुल्की सियासत की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। चुनाचे गुज़श्ता बरस से एक दफ़ा फिर जब नवाज शरीफ की सियासत पर ज़वाल आया तो बेगम कुलसूम नवाज़ एक मरतबा फिर शदीद मुज़ाहमत का वही किरदार अदा करने के लिए तैयार हुई, इसलिए उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़वाया गया, लेकिन इन्हें बीमारी ने मोहलत ना दी कि वह आकर हलफ उठा सकें या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। लिहाजा अब उनकी वफात के बाद शायद ही नवाज शरीफ पहले की तरह सियासत कर सकें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।